गर्दमात बन के करना क्या है? मुन्ना निकालना तुमने बस, बच्चा निकाल देना है बस। घर जमाई बनते हैं, पता है उनके साथ क्या होता है? क्या होता है? वो पहले आगे से लेते हैं फिर पीछे से लेते हैं। किसकी? घर जमाई की। अच्छा, पैसे कितने देंगे? मुझे और वही दे, वो जाने को काम जाने, मेरे निकाह करवाने भाग मेरे 50 बस, तुम्हारा होगा तुम अपने कमरे में जाओ, ढाका ढुकी करो। पैसे कितने देंगे? मुझे क्या पता, ये तो मुझे क्या मालूम, बाकी मुझे क्या पता कि पैसे क्या देंगे। मैं उनका घर तो रिश्ता तुम बता रहे हो, घर जमाई तुम बन रहे हो, तुम ये नहीं पता पैसे कितने मिलेंगे मेरे को? हर महीने के 1,00,000 रुपये मिलेंगे बस, बत्ती बना के नहीं, कैश लड़की को हाथ में हाथ में देंगे ना वो, फिर हमने उसका सिंगार मैच कराने जाना, उधर घूमने जाना। हनीमून पे जाओगे? हनीमून में लंबे फुटी और गाड़ी में जाएंगे, छोटी गाड़ी होगी इससे। कहाँ पे जे? कहाँ जाओगे हनीमून? अपना इस्लामाबाद। जांगा मांगा चले जाओ, तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं वहाँ पे। ये दांत वाद ये सब निकाल देंगे, सोने के दांत लगेंगे, बोले ये टेढ़े मेढ़े नहीं चलेंगे। चलिए सोना, घोड़े के दांत लगाएंगे? सोने का, घोड़े के नहीं, सोना, अंदर पूरा सोना होगा, कोई निकाल ही नहीं सकता। रोटी कैसे खाओगे? रोटी खाओगे? सोने का दांत लगाते हैं, लोहे का डंडा देंगे फिर वो। फिर गोरी के साथ जो तुमने करना वो कर लेना। मुन्ना ने शायद घोड़े के दांत लगाएंगे, तुम बोल रहे हो घोड़े के दांत लगाएंगे, सोना या चांदी की? मैंने चांदी के लगवा लो, सोना तो कोई सी कनपट्टी पे रखी हो पिस्तौल, सोना निकलवा लेगा, दे रहा ही नहीं देना इतनी। बाकी तो तुम्हारा काम सॉलिड हो जाएगा बस। पैसे कितने दिन में? आज को मेरे को 70 रुपये आएंगे, सारा दिन में दिहाड़ी लगी नहीं। कल जो कमाए थे वो कहाँ गए? वो सारी मोटी ले ली, मोटी गई है आशा के साथ काम पे, झाड़ू पोछा लगा। इनको हमने हर महीने 50,000 रुपये देने, 1,00,000 नहीं देने, हर महीने 50,000 रुपये मोटी को देने बस। आप देखे और चले आओ, दोबारा उधर कमरे में जाओगे बस, और रात को चुमा चाटी गोरी की शादी करोगे, गोरी के साथ आपने बेल्ट होगा आपका। मोटी तो तुम्हारी बेगम है ना? हाँ, तो डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं दे रहा हूँ, वो आपकी पहली बीवी है इसलिए। वो बच्चा नहीं, माँ नहीं बन सकती तो इसलिए ये माँ मत जाए, क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन करा लेने, वो नन्नान के दूध आ रहे, बेकार हो गए ना तुम्हारे, इससे तुम्हारी शादी होगी, ये माँ बनेगी, दूध आएगा सर, थन का दूध, वो आपने पीना वीना नहीं, वो बच्चा पिएगा, गोद में लल्ला होगा, खलड़े आएंगे, जोड़ा लेके चले जाएंगे। हो भी गया तो लल्ला आएगा तो तुमने पिया था तो मुझे बोल लो पीना नहीं है, है? पिया था तुमने? नहीं मैंने तो। कैसा जायका होता? नमकीन नमकीन होता, पानी की तरह होता दूध। मुझे तो लगता है तुम चाय भी घर में उसी की बनाते हो। फिर वो दूध आना ही बंद हो गया, नहीं मम्मी गाएंगा दूध खत्म हो गया, लाओ बेगम चाय बनाओ। एक पाव दूध लाओ जा 50 का, शाबाश, मैं दूध पत्ती चाय बना दूंगा आपके लिए, ट्रे में लाएगी बुरखा पहनकर, थोड़ा हल्के मेकअप लगाएगी, ये लो छत्ता जी चाय आ गई आपकी, बिस्किट आ गए, और क्या करूँ मैं बस, अब तुम आराम करो, तकिया लगा के रेडी हो, सो जाओ। सो जा तो खड़ा कर तुम्हारे रात को खड़ा करके पूरा सो गया, ये आई मेरा पानी नहीं निकाली है, वो तुम्हारी गोरी निकालेगी पानी का, हमारा मुँह बन रखो, तुम्हारी शादी हो रही है ना तो सादगी से होगी, तुम तड़के से हम नीचा, आपका काम है बस रात को चढ़ जाना हो, ढका ढुकी करना बस, मुन्ना निकाल कर मैं बस, मुन्ना हो मुन्नी हो बस, दो थवा आप डॉट प्लेंटिक मारे बस, इसके बाद ठंडे बस बोल देंगे यही बोल ली, तो आपका हम शादी गोरी से नहीं करवा, गोरी तुमने लगाई हुई है, टोपी तुमने लगाई हुई है, और बातें सारी शैतानों वाली। आप मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ के आ जाएंगे, वो गोरी है, मैंने पढ़ ली नमाज पढ़ के आया हूँ ना मैं, डेढ़ वाली पौने दो वाली में या डेढ़ वाली में पढ़ ली, वो गोरी नमाज अंदर पढ़ेगी, आपने अंदर नहीं जाना,
पर्दा डाल के नमाज पढ़ी। क्या नाम है गौरी का? नाजिया होगा। गौरी का नाम नाजिया होता ही नहीं है। छोटे से चिच्चू होंगे, हमने चिच्चू को हाथ नहीं लगाना। बट कभी कभी बोलेगी चाटो तो चाटो लेना। वो खुद बोलेगी लड़की कि मैं वो सेक्स करो, खुद ही बोली तुम खुद ही कर लेना। पे वो गर्म हो जाए आप उसकी उंगली मार मार के पानी निकालेंगे, फिर आप उसको बचा के अपना लोला डालेंगे पानी में। तुम्हें बड़ा पता है पानी कहाँ से निकलता है? बस ये बोले उनको ताज चाहिए, सकर नहीं डंडा सकर चाहिए होता भाई। हमारी इज्जत का मसल, हमारी इज्जत रख ले। तुम्हारी शादी इसलिए करवा रहे शादगी से ताकि तुम खुश रहो, आबाद रहो, घर दामाद रहो। बस खुश रहो, आबाद रहो, घर दामाद घर जमाई रखो। बस ये चाह बस पैसा बहुत है, जेवर से निला देंगे लड़की। बाप का काम ये बस ज़्यादा पलेगी बली सरताज का चाय आगे रखेगी। उनके जो मेहमान नवाजी होंगे ना, वो नौकर चाकर वो खुद रखेंगे, उसे काम करनी है। गोरी अपनी कमरे में जाके लॉक करके बैठी आएगी खामोश। तुम आओगे उनको पैसे दोगे गड़ियाँ, वो बोलेगी सरताज बस। उनके सब सारे नौकर वोकर रहेंगे, वो खाना आगे रखेंगे बस। तुम्हारा काम करेंगे सर, ठेले पे तुम परस बेच के 12 घंटे काम करके आओगे। ये कहने मकसद है आप 12 घंटे काम करोगे, 8 घंटे नहीं पूरा 12 घंटे काम करके गोरी की वो पैसे दोगे। आपको राडो भी ना जाएगी ना, वो जिन सोई की सुइयाँ वगैरह, रात का गार्ड अलग होगा, दिन का गार्ड अलग होगा, वो तुम्हारे साथ जाएगा ताकि अल्लाह ना करे कोई तुम्हारे को लूट ना ले। इसलिए ये कहना मकसद है उनका। उनके पास बड़ा पैसा जिम्मेदार है, बड़ी बड़ी ज़मीन है उनकी, दूध का भी कारोबार। क्या तुम दूध का कारोबार कर लो? मैं नहीं कर पाऊँगा। दूध से खाली स्टील की बाल्टी में दूध भी निकालना पड़े तो वो किसका गाय का? गाय ऐसे ऐसे सारी कहानी घुमा फिरा के दूध पे क्यों ले आते हो? आप पूछ रहे तो मैं फिर कहना भी पड़े तो माँ तो फिर मैंने बोला नहीं मैं दूध का कारोबार नहीं करूँ, मैं चमड़े का कारोबार करूँ। सही है सही है। ये मेरे ये भाई होंगे तुम्हारे साथ जाएंगे, आपने सेल्समैन नहीं करनी दुकान पे या ठेले पे। ये ठेला देंगे आपने 12 घंटे काम करके आना, पैसे जो कमाओगे वो आप गौरी को दोगे। हमने वो पूछेगी आज सरताज जी तुम आ गए कितने पैसे ला? अरे ये तो बहुत सारे पैसे ले आता है, तो सही है बंदा तो बड़ा अच्छा है हीरा चाहिए मेरे भाई। तो मेरा नाम फिरोज हीरा होगा, वो रखेंगे नाम जो भी मुन्ने का नाम, वो जो मर्जी रखे मुन्ना होगा तो छुला खुद ही आएगा, चूचक वगैरह सब उनके रिश्तेदार आएंगे, वो चूचक वगैरह खुद दावत करेंगे ना के फिरोज का मुन्ना हुआ। बस कौन फिरोज दी? फिरोज मतलब कह रहे हो छोले वाला नहीं होगा, ठेले पे चमड़े का कारोबार कर रहा हूँ, सेल करके आ जाएगा जूते चप्पले वो सेल करके आना। हमने सेल करना, सेल करके आना। क्या सेल करेगा? बरस बरस होता है ये आपने ठेले पे, आपको दुकान नहीं दिलाएंगे ना, दुकान बाद में लें, पहले ठेले पे आपको कारोबार करवा के 12 घंटे आपने काम करना मेहनत से लगाते। जब 1000 के नोट आएंगे 5000 के, तो गौरी बोलेगी, गौरी को बोलेगी आगे सरताज जी मुझे 15000 रुपये चाहिए। आपने वो बोलेगी साल में मुझे 25 चाहिए, तो आप पूरे 25 ही दोगे, 25 अपने पास रखोगे। 50 कमा लिया ना आपने, 25 आपके जेब में होंगे, मनी पॉकेट में। बस कपड़े अच्छे होंगे आपके, फटे छटे। शादी कब हुई थी ये बताओ? शादी हुई थी मेरी 1997 12 मार्च 1997 मामू ने शादी कराया था, मामू पैसे वाले थे, उन्होंने हाल वाल बुक कराई थी, खदड़ वगैरह आए थे। इसकी शादी नहीं हो रही, पूछो कब होगी। चाय वाला है तुम, उसको चाय भी नहीं बोल रहे। दो कट मंगा लो, चेनक मंगा लो, 60 वाली चेनक मंगा, 60 वाली चेनक। हेलो,